भगवान अय्यप्पा स्वामी के भक्तों ने चरोदा साई मंदिर में भगवान अय्यप्पा स्वामी की पूजा अर्चना करने के बाद युरुमुड़ी यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। भगवान अय्यप्पा स्वामी के भक्तों ने चरोदा स्थित साई मंदिर में भगवान अय्यप्पा स्वामी की पूजा अर्चना करने के बाद युरुमुड़ी यात्रा की शुरुआत की है। इस अवसर पर महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। गौरतलब है कि चरोदा स्थित साई मंदिर में मंगलवार को भगवान अय्यप्पा स्वामी की पूजा अर्चना करने के बाद केरल के विख्यात सबरीमला तीर्थ के लिए जत्था रवाना हुआ। इसके पूर्व युरुमुड़ी धारण किए हुए अय्यप्पा स्वामी के भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की और अन्य दान किया। अवसर पर महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। इस यात्रा को लेकर भगवान अय्यप्पा स्वामी के भक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये हमारे गुरुदेव जी हैं परासम जी, इन्हीं के अधीन में हम लोग पूरे 5 लोग माला पहने हुए हैं और अभी हम लोग आज ये मुंडलू कार्यक्रम हुआ है और भोग भी हुआ है, अंगदान का भी काम हुआ है और अभी निकलेंगे सीधा आंध्रा, वहाँ अय्यप्पा मंदिर सबरीमला, वहाँ अय्यप्पा मंदिर है, वहाँ पर फिर भगवान का दर्शन करके फिर उसके बाद गुरुदेव वो जो हिरमुल्लू बांधे हैं हम लोग का सर में जो रख के ले जाएंगे उसको फिर वो खोलेंगे, उसके बाद वहाँ का जो नियम है वहाँ पूरा करके फिर वापस गीत अभिषेक किया जाएगा अय्यप्पा स्वामी का, उसके बाद जो है हिरमुड़ी बांध के जा रहे 41 दिन का व्रत करते हैं हम लोग, पूरा अय्यप्पा सबरीमला जाते हैं, यहाँ से वहाँ दर्शन करके हिरमुड़ी बांध के वहाँ घी का अभिषेक किया जाता है, स्वामी का पूरा अभिषेक करने के बाद वापसी तिरुपति रामेश्वर वगैरह को भी करते हैं। जो है 41 दिन का ब्रह्मचारी का व्रत करना पड़ता है, नीचे सोते हैं। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में साईं भक्त और अय्यप्पा स्वामी के भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी की कुशल क्षेम की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।